वेलकम बैक। और अभी एक बार फिर से अपडेट आपको कर देते हैं, वॉल्टन रोड पर पेल फैक्ट्री में जो आग लगी है, इस वक्त अपडेट्स क्या हैं? फाहद भट्टी वहां मौजूद हैं। जी फाहद, बताइए। जी बिल्कुल, वॉल्टन रोड पर ये पेल की फैक्ट्री बनाई गई है जिसमें आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। रेस्क्यू टीमों ने इतला मिलने पर मौके पर पहुंचकर जो है वो आग बुझाने के बाहर जो है वो जहां पर जितने भी वर्कर्स मौजूद हैं उनको अंदर से बाहर निकाल लिया गया है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो वर्कर्स अंदर मौजूद थे उनको टाइम से ही बाहर निकाल लिया गया। और उसके अलावा जो एनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं या जो एनी शाहिदीन की जानिब से बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री वर्कर्स अंदर मौजूद थे एक लड़के को जो है वो शीशे तोड़कर अंदर से बाहर निकाला गया है। अभी तक रेस्क्यू की तकरीबन 8 गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं जो यहां पर आग बुझाने के लिए जो है ऑपरेशन कर रहे हैं। और उसके अलावा पुलिस की नफरी यहां पर मौजूद है, कोई भी फैक्ट्री वर्कर अब अंदर मौजूद नहीं है, ऐसा कहना है पेल फैक्ट्री की इंतजामिया का। और उसके अलावा रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द आग पर जो है वो काबू पा लिया जाए, क्योंकि अभी तक जो है वो आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। बाहर जिन वर्कर्स को बाहर निकाला गया है उनकी हालत बताइएगा, उनकी हालत कैसी है? आग लगी, एक जख्मी जिसको जो है वो फैक्ट्री के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया है उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साथ ही फैक्ट्री वर्कर्स का ये कहना है कि उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है, मगर उसको तिदिमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है जहां पर उसका इलाज मुआवजा जारी है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा जिन मुलाजमीन को बाहर निकाला गया है जब आग लगी क्या कहना है उनका, क्या वाकया पेश आया था? जो एनी शाहिदीन अंदर फैक्ट्री में मौजूद थे उनको पता चला कि किस वजह से आग लगी? जो एनी शाहिदीन की जानिब से बताया गया है या उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि तमाम वर्कर जो हैं वो उस वक्त स्टोर के करीब मौजूद थे, फैक्ट्री के स्टोर के करीब, तो अचानक से जो फैक्ट्री का दूसरा हिस्सा है वहां पर आग लगी और पूरी फैक्ट्री जो है वो धुएं की लपेट में आ गई। शदीद काले बादल जो है वो धुएं के छा गए और तमाम फैक्ट्री वर्कर्स ने जो है वो फैक्ट्री के अंदर से भागकर अपनी जान बचाई, ये कहना है फैक्ट्री वर्कर्स का। किस वजह से आग लगी या फैक्ट्री के किस हिस्से में आग लगी ये ठीक है, रेस्क्यू का क्या कहना है, ऑपरेशन कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, कब तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाकर जगह को क्लियर करा दिया जाएगा? रेस्क्यू की जानिब से कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द जो है वो फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया जाए, ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन अभी तक जो है वो काबू नहीं पाया गया, कोशिश की जा रही है कि जल्द आग पर काबू पाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फाहद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और रेस्क्यू का कहना है कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो आग पर काबू पा लिया जाए। खबर अगली